आज झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। सबको इन्होंने ठगा है, नौजवानों को ठगा है। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, कहां दिया उन्होंने। राज्य में लोगों को जमीन से बेदखल किया है, विस्थापित किया है, तो कांग्रेस के राज्य में लोग हुए हैं जिसके साथ यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ करके सरकार चलाती है। चाहे बड़े बड़े खदान खुला, चाहे बड़े बड़े डैम बने, चाहे बड़े बड़े कारखाना खुला, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला, आज भी वो भटक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन 2500 रुपया देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में है। अब कह रहे कि 1000 रुपया देंगे, सार्वजन पेंशन की बात करते हैं, यानी लोगों को ये ठगने का काम करते। उनसे पूछना चाहिए, आज गांव में उनके वर्कर घूमते हैं, पूछो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि 2500 रुपया देंगे, आज वो कितना पेंशन दे रहे हैं। 3-4 महीनों से तो कई एक क्षेत्रों में पेंशन ही लोगों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72000 रुपया सालाना देंगे, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, एक भी लोगों को अभी तक नहीं दिया है। तो ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रीन कार्ड बना करके सबको हम अनाज देंगे, कितनी लोगों को दिया जरा याद करिए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करना पड़ेगा। आज कहीं वो काम नहीं हो रहा है, सब पैसे की लूट हो रही है, इसलिए इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं, एक भी काम नहीं बता सकते। सबको इन्होंने ठगा है, नौजवानों को ठगा है। नौजवानों से कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, कहां दिया उन्होंने। इस प्रदेश में भी 24 वर्ष होने को चला है, 13 वर्षों तक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है। बाबूलाल मारंडी भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री रहे, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रहे। कहीं कोई बता दे किसी का कोई जमीन कहीं कोई लूटा है, कोई छीना है? लेकिन आज मैं कह सकता हूं, जी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आज झारखंड में सबसे अधिक जमीन किसी ने लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। आज जहां कहीं भी जाएंगे सब जगह मिलेगा, हाईकोर्ट में ही उन्होंने 108 डीड तो सबमिट किया है। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कहता हूं, कांग्रेस वाले लोग भी घूमते हैं, कहते हैं लोगों ने जमीन लूटा है, मैं तो कहता हूं अगर इस राज्य में लोगों को जमीन से बेदखल किया है, विस्थापित किया है, तो कांग्रेस के राज्य में लोग हुए हैं जिसके साथ यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बैठ करके सरकार चलाती है। चाहे बड़े बड़े खदान खुला, चाहे बड़े बड़े डैम बने, चाहे बड़े बड़े कारखाना खुला, यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला, आज भी वो भटक रहे हैं। आज आम जनता इस प्रदेश में भ्रष्टाचार से परेशान है, सरकारी कोई भी दफ्तर हो कहीं बिना पैसा से काम नहीं होता है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो लोग परेशान रहते, उससे भी पैसा वसूला जाता है। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में जो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार इसलिए जो सरकार के द्वारा वो पोषित किया हुआ है। आज यहाँ के अफसर से जब बात करेंगे, पूछते हैं कि भाई आप पैसे क्यों लेते हो, तो एक ही जवाब मिलता है, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमें पैसा लेना है, आप जहां शिकायत करो वहां करो। ये हालत है इस प्रदेश की।